अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाबू व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरी तरफ़ से आप सबको आज ईद उल फितर का तीसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आज ईद का तीसरा दिन था और आज हम पहुँचे हैं छागा मांगा फॉरेस्ट पार्क में, लेकिन यहाँ की जो सूरत हाल है वो काफ़ी ख़राब है। देख सकते हैं कि पीछे जो आवाम है वो बाहर खड़ी है और जो पार्क में मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन है, क्योंकि ये तो पहले ही हुकूमत की तरफ से ऐलान था दरबार और जो मुख्तलिफ पार्क पब्लिक प्लेस पे जो मुकम्मल तौर पर पाबंदी थी 8 मई से लेकर 16 मई तक मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन था। और उसी मद में ये जो पार्क है ये भी थी, इस पार्क में भी मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन था और पहले भी बार जो है एक बैनर नस्ब कर दिया गया था और बता दिया गया था कि ये मुकम्मल लॉकडाउन है। लेकिन ये लोग जो बाहर देख रहे हैं आप, ये दूर दराज से आए थे, इनको मालूम नहीं था कि पार्क में मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन है और लोग बाहर खड़े हुए हैं। ये जो पीछे आप देख सकते हैं कि ये आप पीछे देखें, ये जो सिर्फ पार्क का फ्रंट वाला हिस्सा, जो पार्क का जो दूसरा साइडों वाला और बैक साइड है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा तादाद में लोग खड़े हुए हैं और पार्क जो बिल्कुल बंद है, किसी किस्म का कोई रास्ता ओपन नहीं है कि पार्क में अंदर जाया जा सके। हम भी इसीलिए आए थे, मेरे साथ भी दोस्त हैं तो हम आए थे कि अंदर जाते हैं और सैर करते हैं। हमें पता था कि पार्क बंद है, लेकिन जो ना फिर भी आए थे। कल भी काफ़ी रश था, कल भी लोग यहाँ से काफ़ी गए थे, तो हम कल तो नहीं आए थे लेकिन आज जो आए थे कि शायद पार्क खुली हो इस वजह से लोगों का रश हो, लेकिन इधर आए हैं तो कोई सीन नहीं था, मुकम्मल तौर पर लॉक है हर चीज़। दोस्त मेरे साथ हैं तो उनसे पूछते हैं, वो आगे गए थे गेट पर इंफॉर्मेशन लेने के क्या मामला था, कब पार्क ओपन होगी और क्या सूरत है। जी क्या की बनाया गया जाते थे, वो हम गए थे तो वो चौकीदार है, वो बता रहा था कि 8 से 16 तक लॉकडाउन है, उसकी वजह से जो है ना पार्क बंद है। तो इंशाल्लाह जो है ना परसों पार्क खुल जाएगा 17 तारीख को, तो वो भी SOPs की खिलाफ वर्जी नहीं होगी, मास्क लगाना लाजमी होगा और भी जो भी SOPs है वो पूरा करना होगा, उसके बाद एंट्री होगी। तो भाई ने बताया, मैं भी आगे आपको बता रहा था यही सीन के अगर कोई कल भी दोस्त आए ना तो वो ना आए, कल अगर को आना चाहे कल ना आए, आप कोशिश करें कि मंडे ट्यूसडे को आए, वो भी आप SOPs के ख़िलाफ़ वर्जी नहीं कर सकते, SOPs पे अमल करेंगे तो आपको अंदर जाने की इजाज़त होगी। फ़िलहाल हमें अभी बाहर ही खड़े हैं, कोशिश करते हैं कि आपको पार्क का जो साइड वाला व्यू है वो भी दिखाएँ। लेकिन आज मियाँ साहब फुल मूड में थे, कल जो पिज़्ज़ा खाया उसका देखें हुसन कितना आया हुआ है पिज़्ज़े का। आज आए थे कि चले इधर भी इंजॉय करते हैं, लेकिन इधर कोई सीन नहीं है। तो मियाँ साहब ने देखे आज ग्लासेस भी चेंज किए हुए हैं, नए ग्लासेस भी लिए, तो करें खैर जो अल्लाह को मंजूर है। और दीन भाई आज दीन भाई भी साथ हैं, बड़ी मुश्किल से इन्होंने टाइम दिया है, ये ईद के जो पहले दिन से कह सकते हैं कि उसके बाद आज ही मिले, ईद वाले दिन भी नहीं मिले, वो भी मैंने इन्हें कॉल की है आज, तो फिर ही ये हमारे साथ आए हैं और टाइम निकाला है बहुत, तो इनका शुक्रिया इन्हें टाइम दिया है। मियाँ साहब ने आने की निकाल ही, अब जो कोरोना आंखों की रास्ते से अंदर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा पार्क तो मुकम्मल तौर पर बंद है और जो थोड़े बहुत स्टॉल्स थे जो अंदर लगे होते हैं वो भी एक दो स्टॉल बाहर लगे हैं और वो भी अब तकरीबन वापस चले गए हैं। लोगों का लेकिन हजूम ऐसे ही है, शाम होने को है लेकिन अभी लोग ऐसे ही हैं। अब जैसे शायद अंधेरा हो फिर लोग यहाँ से जाना शुरू करें, क्योंकि लोगों को पता है कि इधर जानवरों का भी ख़तरा है, अगर ज़्यादा देर हो गई तो फिर मसला ज़्यादा बन सकता है। तो मैं जाता हूँ और आपको जो पार्क का दूसरे साइड वाले व्यूज़ हैं वो दिखाता हूँ कि वहाँ क्या सूरत है। ये ब्रिज जो आप देख रहे हैं, ये ब्रिज ट्राम का है, यानी कि जब जो मिनी ट्रेन जो यहाँ से गुजरती है और यहाँ से इसकी एंट्रेंस है, मेन फॉरेस्ट पार्क के अंदर जो एंट्रेंस है वो भी मुकम्मल तौर पर बंद है। आप देख सकते हैं कि ये ताला लगा हुआ है, लॉक है, क्योंकि जहां बाकी पार्क बंद है वहां ये भी पार्क बंद है। ये तो कह सकते हैं कि लोगों की बेवकूफ़ी है जो कि आज के दिन आए हैं, हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से जो ऐलान था कि पार्क मुकम्मल तौर पर बंद है
लोगों को जो आज नहीं आना चाहिए था, लेकिन फिर भी लोग असल में वही फंसे हैं आके जो दूर दराज से आए हैं, लेकिन वो आ तो गए हैं, अब वो जाने का सफ़र भी ज़्यादा उनको पड़ना था। तो वो जो सात पार्क के आउटसाइड पे जो पार्क बनी है छोटी छोटी, वहाँ बैठ के लोग खाना वगैरह खा रहे हैं, वहीं बैठे हैं और वहीं से ही अभी इंजॉय करके वापस चले जाएंगे। तो मजीद अभी हम इधर वेट कर रहे हैं, तो मजीद अपडेट हुई तो आपके साथ शेयर करेंगे। ये पीछे आप देख सकते हैं कि सफारी ज़ू है, छंगामंगा पार्क है, जो साथ ही छंगामंगा पार्क की सफारी ज़ू है वो भी मुकम्मल तौर पर बंद है। यहाँ भी किसी किस्म की कोई जो एंट्री की इजाज़त नहीं है। तो अभी अंदर जो भाई बैठे थे उनसे बात हुई है, वो भी ये कह रहे थे कि 18 तारीख को ओपन होगी, 16 को नहीं, क्योंकि 16 को अगर ओपन हो भी गई तो जो मज़ीद उस पर थोड़ा बहुत काम होता है वो करेंगे दो दिन, उसके बाद जो पार्क आम शहरियों के लिए खोल दी जाएंगी। ये सफारी पार्क का दूसरा गेट है और ये भी बंद है, यानी कि मुकम्मल तौर पर पार्क और साथ सफारी ज़ू टोटल ही बंद है और ये अब 18 को ही ओपन होगी आम आवाम के लिए। छंगामंगा फॉरेस्ट पार्क का व्यू आपके साथ शेयर किया, वो तो मुकम्मल तौर पर बंद है। अब वापसी पे अब जब छंगामंगा पार्क जाते हैं तो उससे पहले एक रेस्ट हाउस आता है, TDCP टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पंजाब। ये रेस्ट हाउस बनाया गया था लेकिन इसको दोबारा डिवेलपमेंट तो नहीं किया गया, लेकिन इधर जो है ना शादी के फंक्शन वगैरह तो होते हैं और लोग सैर व तफरीह के लिए भी आते हैं। अंदर खूबसूरत निज़ाम बनाया गया है लेकिन ये भी मुकम्मल तौर पर बंद है, इसको भी लॉकडाउन किया गया है और किसी किस्म को भी, यानी किसी किस्म के फ़र्द को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, ख्वाब वो कितना ही कोई करीबी हो, किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। तो अब हम इधर आए थे कि ताकि इधर थोड़ी देर टाइम स्पेंड करें, लेकिन ये भी मुकम्मल तौर पर बंद है और अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। अब कोशिश करते हैं कि वापस ही जाएँ और टाइम भी कह सकते हैं कि मगरिब का होने वाला है, अब वापस घर जाते हैं। तो बाकी छंगामंगा फॉरेस्ट पार्क की अगर आप वीडियो देखना चाहें तो मैंने इस पर एक मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियो बनाई है और इसके अंदर जो जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वो वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, कल मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए ताज़े फ्रेश व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।